बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट और बिल्कुल ही इंस्टेंट बनने वाली इडली आज हम बनाएंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है ये इडली, बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही स्पंजी है बिल्कुल, ये देखिए। और साथ ही और हमने बनाई है वाइट वाली नारियल की चटनी, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है और सभी बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है सांभर और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा किचन राजा राव फूड। और पूजा किचन में आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन फूड और उसमें हम बनाएंगे इडली सांभर और वाइट वाली नारियल की चटनी, और इसे हम बहुत ही अलग स्टाइल में बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं अपने वीडियोस में जो जो इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स यूज़ करती हूँ उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है उसमें तो आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन फूड, इडली सांभर और नारियल की चटनी। तो चलिए देख लेते हैं साउथ इंडियन डिश इडली सांभर और वाइट वाली चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सांभर के इन्ग्रीडियंट। तो यहाँ पर मैंने ये एक पूरा कटोरी भर के सांभर का प्री मिक्स लिया है। इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, अगर आप चाहें तो मैं वहाँ से देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैंने कई सारी सब्जियाँ ली हैं जिसमें मैंने लिए आधी लौकी, और यहाँ ली है मैंने लिया 3 टमाटर जिन्हें फाइन चॉप कर लिया, 1 मिर्ची है जिसे फाइन चॉप कर लिया, साथ ही मैंने एक बैंगन लिया था इसे भी मैंने एकदम फाइन चॉप किया है, और साथ ही हम लेंगे 4 बड़े वाले प्याज और इन्हें भी हमने फाइन चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने ली है राई और ये नमक लिया है टेस्ट अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, ये सब मसाले, और सबसे ज़्यादा जो साउथ इंडियन डिश में यूज़ होता है वो कड़ी पत्ता यूज़ होता है, तो ये हम खूब सारा लेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हमें चटनी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पूरा भर के अच्छे से पूरा अच्छा सा भर के हमने लिया है नारियल का बुरादा। यहाँ मैंने लिए 2 बड़े चम्मच भर कर ये मूँगफली के दाने, साथ ही 2 बड़े चम्मच ही भर के मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं, और इसमें हम कड़ी पत्ता भी यूज़ करेंगे और साथ ही इसमें हम राई यूज़ करेंगे। मसाले जो हैं हमारे सभी इसी इन सब जो मसाले हमने लिए हैं नमक वगैरह वो इसमें डालेंगे। अब देख लेते हैं हमें जो इडली है इंस्टेंट इडली आज हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने लिया यहाँ पे ये 1/2 किलो का सूजी का पैकेट, और ये मैं 6 जनों के हिसाब से बनाऊंगी इसलिए मैं 1/2 किलो का पैकेट लिया है मैंने। साथ ही मैं लूँगी 1 पूरा भरकर कटोरी दही और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और इनो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मिक्सिंग बाउल लिया है बड़ा वाला, आपको गहरा बाउल लेना है, और इसमें मैंने डाल दी पूरी सूजी। मैंने लिया जो दही लिया है वो भी इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे इसको ऐड करेंगे। मैंने पूरा 1 बाउल जो दही है इसमें नहीं डाला है, थोड़ा सा दही हमने रख लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के लिए नमक डाल देंगे, नमक आप जितना डालना चाहें उतना डाल दीजिए। साथ ही मैंने लिया है पानी, जो धीरे धीरे इससे हम इसका बैटर बनाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर जल्दी जल्दी हमें पानी नहीं डालना है बैटर में। तो फ्रेंड्स, इस बैटर में धीरे धीरे से पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे इडली का। ये देखिए, आप
हमें ये पता है कि सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो हम थोड़ा पानी इसमें डाल के रखेंगे पहले। तो इसमें मैंने पूरा 1 कप पानी जो है डाल दिया और 1 बाउल दही इसमें डाल दिया। तो ये हमने 1 कप पानी डाला था, तो इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे और ये सूजी अभी और पानी पिएगी। तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखना है ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इससे इडली बनाएंगे। तो इसको हम साइड में रख देंगे ढककर, और तब तक के लिए बाकी चीज़ों की। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपनी सांभर की तरफ। और मैंने रख दिया है गैस पे पैन, पैन जो है गरम हो चुका है। और अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच भर कर ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, और इसे हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साउथ इंडियन जो डिश होती है उनमें सभी में कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। देखिए ये कड़ी पत्ता तड़कना शुरू हो गया है, इस समय हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे राई। 1 पूरा चम्मच भर कर इसमें मैंने राई डाल दी, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ये मसाले हैं एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई मिर्ची जो हमने काटी थी, वो डाल देती हूँ। साथ ही हमने जो ये बारीक प्याज काटे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि कितना एकदम इवन शेप में कटे हुए हैं प्याज और सारी सब्जियां, तो इन सब सब्जियों को काटने के लिए मैं कटर यूज़ करती हूँ, और वो मेरे को बहुत ही यूज़फुल रहता है। किचन का जो काम है आधा हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, और अब आप वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हैं। ये देखिए प्याज को एकदम अच्छे से भून लेंगे। प्याज की बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और हम इसे हाई फ्लेम पर ही रोस्ट कर रहे हैं। देखिए कलर भी इसका काफ़ी चेंज हो चुका है। और अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ, हमारी जो हमने लौकी काटी थी बारीक उसको भी डाल देती हूँ। 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे, और साथ ही ये जो हमने बैंगन बारीक काट के रखे हैं वो भी इसमें डाल देंगे। ये सब्जियाँ जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, मटर वगैरह भी इसमें आप डाल सकते हैं सांभर में। जैसी सब्जियाँ आपको जो पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी यही सब्जियाँ अवेलेबल थी तो मैं इसमें ये सब्जियाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ हमने इसमें डाल दी, और टमाटर हम लास्ट में इसमें डालेंगे। और इन सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे जब तक कि ये नरम हो जाए, तो इसको हम ढक के कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये स्पेशल रूप से बनाई जाती है और खाई जाती है। तो मैंने ये छोटा सा पैन रख दिया है, और इसमें जो हमने पीनट्स लिए थे वो डाल दिए। साथ ही ये जो चने हैं वो भी इसमें डाल देंगे। और इनको थोड़ी देर के लिए हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको हम हाई फ्लेम पर ही थोड़ी देर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हाँ, ड्राई रोस्ट हम इसको इसलिए करें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इससे चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे चने और पीनट्स जो जब तक ड्राई रोस्ट हो रही है तब तक ये जो जो हमने नारियल का बुरादा लिया है वो डाल देंगे इसमें। साथ ही जो हमने दही लिया था आधा बचाया हुआ था जो, वो हमने डाल दिया इसके अंदर। जूस इसमें डाल रही हूँ, और साथ में ये हमने थोड़ा सा चीनी जो है इसमें डाल दी ताकि इसका खट्टा मीठा टेस्ट आए, और पानी हमने इसमें पहले ही डाल दिया था।
तो ये हमारे चने और मूंगफली रोस्ट हो चुके हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी सब्जियों की तरफ। ये देखिए सब्जियों को रखे हुए हमें काफ़ी देर हो चुकी है और ये सब्जियां हमारी जो हैं सारी एकदम नरम हो गई हैं, एकदम अच्छे से कुक हो गई है। अब जो मसाले हैं वो इसमें सारे डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली, पूरा 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, साथ ही मैंने नमक डाल दिया 1 चम्मच भर के या टेस्ट अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी मिर्च। इनको कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। तो ये लीजिए हमारी सब्जियों में मसाले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब जो हमने टमाटर भजवाए थे वो भी इसमें डाल देंगे। इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट सांभर में लाने के लिए हम डाल रहे हैं गरम मसाला 1.5 चम्मच। हमने जो सांभर की प्रीमिक्स बनाई है उसमें वैसे सारे ही मसाले डाले हुए हैं, इमली वगैरह जो डलती है, और इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग मसाले सब्जियों के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सब्जियों में मसाले एकदम अच्छे से मिक्स करने के लिए इसको थोड़ी देर और ढक के कुक होने देंगे। ये जो हमने चने और पीनट्स ड्राई रोस्ट किए थे वो इसमें डाल रहे हैं, ठंडे होने पे ही डालने हैं हमें, और अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पिस गई है ये चटनी, और ये थोड़ा गाढ़ी है अभी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। और अभी एक बार इसको और ग्राइंड कर लेते हैं। में खट्टा जो है कम लग रहा हो नींबू से तो आप इसमें थोड़ा अमचूर डाल सकते हैं, मैं भी इसमें थोड़ा 1 चम्मच और ये 1/2 चम्मच अमचूर डाल रही हूँ, और एक बार इसको और ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए हमारी चटनी रेडी है, अब अपनी सांभर की तरफ चलते हैं। सब्जियाँ जो हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर दी मैंने। सब्जियों को और सांभर प्रीमिक्स को अच्छे से पकाने के लिए कुक करने के लिए हम इसको कुकर में डाल दिया हमने, और ये जो हमने प्रीमिक्स लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। जो है बिल्कुल खूब अच्छे से डालना है, पानी डालने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो ये 1 कप और पानी डाल दिया इसमें हमने, लगभग 3 कप पानी डाल दिया। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी सांभर अभी भी गाढ़ी है कुकर खुलने के बाद, तो इसमें आप पानी और ऐड कर सकते हैं। अब कुकर को बंद कर देंगे और लगभग 2 सीटी आने देंगे कुकर में। जो चटनी हमने बनाई है उसमें थोड़ा सा हम तड़का भी लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये पैन रख दिया है, ये देखिए, और इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता लीव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कड़ी पत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा जो साउथ इंडियंस लोग हैं उनके खाने में बहुत ज़्यादा डलता है, तो कड़ी पत्ता डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे कड़ी पत्ता तो आपकी रेसिपी जो है बहुत टेस्टी नहीं बन पाएगी। तो ये देखिए हमने ये एकदम अच्छे से कड़क चुके हैं, और इसको आप चटनी में डाल लेते हैं। इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था, इसमें मैंने कड़ी पत्ता का ये छौंक लगा दिया, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपनी सूजी का क्या हाल चाल है। ये देखिए सूजी ने बिल्कुल अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसमें हम धीरे धीरे करके और पानी डाल देंगे। ये सूजी जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेनी है हमें, ये सूजी जो है बहुत ही ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, अगर हम इसको थोड़ी देर भिगा के नहीं रखेंगे तो ये सॉफ्ट जो हम बनाएंगे इडली वो सॉफ्ट नहीं बन पाएगी।
अभी इसको बहुत ही अच्छे से फेंटना है, और मैं आपको बता दूं आप फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आप जितना इसको फेंटेंगे उतनी ही आपकी इडली सॉफ्ट बनेगी। तो ये एक बार हमने फेंट लिया, और ये थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम फेंट लेंगे और एक बार, और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इस तरीके से। मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंट लिया, और अब जो है बाकी का हम काम कर लेते हैं। ये मैं आज इडली जो है इडली स्टैंड में बना रही हूँ, तो हम जो ये स्टैंड है उसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल देंगे। इडली में भी थोड़ा अच्छा सा लुक लाने के लिए एक चम्मच ऑयल का तड़का लगाएंगे। इसमें मैंने राई डाल दी और साथ ही डाल दिया हरा धनिया। इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। अब ये जो हमने तड़का बनाया है वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और। तो ये हम इसमें अब इनो डाल देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनो हमें तभी डालना है जब हम इसे कुक करने वाले हैं। इनो के साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया इसको एक्टिव करने के लिए, और फिर एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें एक एक चम्मच भरकर इस तरीके से हम डाल देंगे। इसको थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि, क्योंकि ये इडली जो है फूलेगी तो इसको थोड़ा स्पेस मिल जाए, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा इसको खाली रखेंगे। और इसी तरह से सारे स्टैंड जो हैं उनमें इडली का बैटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इडली बनाने के लिए मैंने इस तरह से स्टैंड लिया है, और इसमें पूरा इतना पानी भर दिया है जाली तक। और अब जो हमने स्टैंड भरे थे बैटर से वो वन बाय वन इसमें रख देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है हमें, और अब इसको कर देंगे बंद। 15 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो इडली है उसे बनते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तो हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी इडली सही से बन गई है, तो आप इसमें फोक, या देखिए एकदम क्लीन आया है फोक हमारा, तो इसका मतलब हमारी इडली रेडी हो चुकी है। हमने जो सांभर थी उसमें 2 सीटी दे दी थी, खोल कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बिल्कुल बाज़ार में जैसे हम सांभर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब इडली सांभर और चटनी जो है उसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हम इडली इस तरह से रख लेंगे, और आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही यम्मी लगती है, इंस्टेंट इडली बन जाती है फटाफट से, हम इसे बना सकते हैं। अगर आपके घर पे फटाफट कोई मेहमान आने वाले हों तो आप फटाफट इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम परोस लेंगे सांभर। और साथ ही इसमें हम ले लेंगे वाइट वाली स्पेशल चटनी जो खाई जाती है इस सांभर के साथ, बहुत ही यम्मी लगती है सांभर इडली के साथ। तो लीजिए, आप लोगों के लिए तैयार है साउथ इंडियन खाना, बिल्कुल ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है, साथ ही बहुत ही टेस्टी सांभर और वाइट वाली चटनी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप वीडियो देखने के बाद ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीन मानिएगा आपके घर पे सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ, तब तक के लिए
बने रहिए इसी तरह से आपके कुकिंग चैनल पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।